चलो नेक्स्ट। ये कहता है पीस ऑफ आयरन हीट इन ए फ्लेम, ठीक है, अगर मैं आयरन को हीट करता हूँ, ठीक है, तो हीट करने से एक वेवलेंथ निकलेगा यार, एक खास वेवलेंथ निकलते हैं, ठीक है, पहले वो रेड होता है, फिर येलो होता है, फिर वाइट होता है, ठीक है, तो इसमें से कौन सा लॉ एक्सप्लेन कर पाएगा, ठीक है, कौन सा लॉ इसमें से एक्सप्लेन कर पाएगा, फाइनली टर्न टू वाइट, पहले रेड हुआ, येलो हुआ, वाइट हो गया, तो इसमें से कौन सा लॉ एक्सप्लेन कर पाएगा, ठीक है, किरचॉफ्स लॉ बिल्कुल नहीं एक्सप्लेन करता है, ठीक है, आप पढ़े होंगे, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग बिल्कुल एक्सप्लेन नहीं करता है, ये रेट ऑफ कूलिंग बताता है, स्टीफेंस लॉ एनर्जी रेडिएटेड पावर रेडिएटेड वेवलेंथ में, वेवलेंथ और टेम्परेचर में एक ही रिलेशन आता है, दैट इज फोर्थ ऑप्शन, वेवलेंथ, ये वही एक्सप्लेन कर पाएगा इसको जो वेवलेंथ और टेम्परेचर में रिलेशन दे, ठीक है, तो इसमें से कौन सा वेवलेंथ और टेम्परेचर में रिलेशन देता, मींस लॉ और समझाऊं डेप्थ में, चलो अगर एक आयरन का रॉड है, ठीक है, आयरन का रॉड है, इसको तुम हीट एनर्जी दोगे तो सबसे पहले रेड होता है, रेड होता है, इसका मतलब आप बिबग्योर पढ़े होगे, बिबग्योर आप पढ़े होगे, इसकी जो वेवलेंथ होती है लैम्डा मैक्सिमम होती है, और इसकी जो वेवलेंथ होती है वो मिनिमम होती है, लैम्डा मिनिमम होती है, मतलब इधर से इधर आओगे तो लैम्डा डिक्रीज होता रहता है, लैम्डा डिक्रीज होता है, और विंस लॉ ये कहता है कि टेम्परेचर इज यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा मैक्स वेवलेंथ, ठीक है, मतलब जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे वैसे वैसे वेवलेंथ कम होना चाहिए यार, ठीक है, तो वेवलेंथ कम होगा तो पहले वेवलेंथ ज़्यादा, टेम्परेचर कम था तो वेवलेंथ इसका इनिशियली में टेम्परेचर कम होगा, ठीक है, तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे वेवलेंथ बढ़ेगा, तो वेवलेंथ बढ़ेगा तो पहले रेड होगा, फिर येलो होगा, और फिर एक ऐसा समय आएगा इतना ज़्यादा टेम्परेचर होगा कि ये सारे एक साथ ही मीट होने लगेंगे, तो वाइट दिखने लगेगा, ठीक है, जो कि विंस लॉ इसको सही एक्सप्लेन करता है, ठीक है।